This conference will now be recorded. तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मूला. जी हम एक्सेल के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे और हम धीरे धीरे हर एक फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे. तो पहले हम आपको फॉर्मूले एक एक इंट्रोडक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, क्या कंसेप्ट है, उसके क्या क्या और एग्जांपल्स हैं वो हमको बताएंगे, हम आपको बताएंगे. उसके बाद फिर उनको हम डैशबोर्ड्स या रिपोर्ट्स में यूज करना सिखाएंगे. तो दो तरीके से हमारी ट्रेनिंग चलेगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमने पहली क्लास में आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताई थी, तो वो बताने की अब जरूरत नहीं है, मोस्टली आपको आता होगा. अब इसमें अगला जो आता है क्वेश्चन वो आता है हमारे पास, हम बात स्टार्ट करेंगे लॉजिकल फॉर्मूला से, राइट. पहले हम लॉजिकल कैटेगरी के फॉर्मूले के बारे में देखते हैं. उससे पहले हम जानते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? ये आपके प्लस, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स है. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का क्या मतलब है, चलिए समझाते हैं आपको. जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सेल्स की कुछ फिगर हमने ली हुई है, राइट, और मुझे करना है कि कौन से फिगर ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 50 है या कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन से ऊपर है. तो जनरली इसके लिए हम लोग चेक करते हैं कि इफ इट्स ग्रेटर देन 50 और फिर देते हैं. जी नहीं, इफ यहां पे हम तब लगाएंगे, उसके बारे में बात बात करते हैं. इसमें हम डायरेक्ट चेक, हमें जब चेक करना है ना, तो हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि इफ ग्रेटर देन 50 है या नहीं है. अगर होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा. नहीं होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा. ओके, समझ आ गया? यस. तो हम इफ क्यों लगाते हैं? हम इफ लगाते हैं कि जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर जिसका रिजल्ट फिक्स होता है ट्रू एंड फॉल्स, उसकी जगह पे हमें एक नया रिजल्ट चाहिए, अपना चाहिए. तो उस केस में हम यहां पे देखिए इफ एक मिनट सर यहां पर देखिए इफ अगर ये ट्रू है तो ओके, अदरवाइज पेंडिंग. जो भी रिजल्ट आपको देना है वो आप यहां दे सकते हैं. तो इफ का काम क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स को अलग अलग रिजल्ट में बांटना, ठीक है. जैसे कि अगर स्विच के हम देखिए तो स्विच का काम क्या है, अगर वो नीचे की तरफ हो तो पावर सप्लाई करेगा, ऊपर की तरफ होगा तो पावर सप्लाई नहीं करेगा. सेम उसी तरह से कि अगर ट्रू हुआ तो ओके सप्लाई करेगा, ओके आपका पावर हो गया. अगर फॉल्स होगा तो ट्रू है, और इसी ट्रू एंड फॉल्स पे आपका पूरा का पूरा एल्गोरिथम है, पूरा का पूरा कंप्यूटर का क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम है. सिस्टम बोलता है कि जीरो इट मीन्स ट्रू, वन सॉरी इट मीन्स ट्रू, जीरो इट मीन्स फॉल्स. और ये सिस्टम का भी पार्ट होता है. अगर मैं ट्रू लिखूं और यहां पे फॉल्स लिखूं तो सिस्टम के अंदर भी आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू यही होती है. हमने प्लस किया रिजल्ट वन आया. अगर हम दो ट्रू करेंगे तो रिजल्ट आएगा ट्रू, और एक ट्रू किया हमने पाया वन. इससे साबित होता है कि ट्रू इक्वल टू वन एंड फॉल्स इक्वल टू जीरो. तो हम टाइम बचाने के लिए हमें दो जगह पे कंडीशन ना लगाना हो, उस केस में हम इफ के साथ डायरेक्टली इसको कंबाइन कर देते हैं. ग्रेटर देन 50, तो ए इफ का पार्ट नहीं है, ए इंडिविजुअल है, हमने इफ में इसको कंबाइन. कुंदन जी कोई डाउट इसमें? नहीं सर. ओके,
इसको समझे क्या क्या है, जैसे कि इक्वल मतलब कि एक पता ही आपको ग्रेटर देन पता है लेस देन पता है, हम दो साइन तीन मेनली साइन होता है इक्वल ग्रेटर देन लेस देन, तीन मेन साइन होता है, हम दो साइन को मर्ज करके तीसरा चौथा साइन बना सकते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल क्या हो गया कि मान लीजिए हमने बोला कि 50 से बड़ा और 50 से छोटा, तो नॉट इक्वल टू 50 हो गया ना, तो नॉट इक्वल टू का साइन इसमें होता है, लेकिन बाकी प्रोग्रामिंग में देखेंगे तो नॉट इक्वल टू साइन ए होता है, बट यहां पे नॉट इक्वल टू का साइन इसको इस तरह से लिखा जाता है एक्सएल एम वीवीए में। लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गया? यस। चलिए अगली एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम बात करते हैं इफ की कंडीशंस पे, इफ को हम सीखते हैं। जैसे भी थोड़ा देर पहले हमने बताया था आपको पिछली एग्जांपल में कि हम यहाँ पे कोई केस लेते हैं तो इफ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, राइट? राइट। अब इसमें मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इफ का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो इफ के फॉर्मूले में है क्या समझिए, जैसे सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल ब्रेस कर सकते हैं या फिर प्लस ब्रेस कर सकते हैं, हालांकि माइनस भी करते हैं कि माइनस से यूज नहीं करते क्योंकि माइनस से रिजल्ट चेंज हो जाता है। इफ जैसे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उस कैरेक्टर से पूरा ऑटोसजेशन रहेगा कौन सा फॉर्मूला चाहिए, माउस की से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और फिर जैसे जो फॉर्मूला सिलेक्ट हो गया प्रेस द टैब, टैब को प्रेस कर दे, ओके। और यहाँ पे नीचे अभी अगर टैब प्रेस नहीं करते तब तक इस फॉर्मूला का आपको डेफिनेशन आता है कि चेक द वेदर कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। ओके, और टैब प्रेस कीजिए यहां पे आ जाएगा, यहां पे हम देंगे फॉर्मूला। यहां पे तीन साइन, पहले यहां पे सिंटैक्स को देखिए, सिंटैक्स का लॉजिकल टेस्ट वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स। वैल्यू ऑफ लॉजिकल टेस्ट में देखिए आपका बड़ी ब्रैकेट मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है एंड वैल्यू ऑफ ट्रू देख रहा है कि आपका स्क्वायर ब्रैकेट में, समझ गए? इसका मतलब क्या है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में है इट्स ऑप्शनल, वो क्या है ऑप्शनल है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है वो ऑप्शनल नहीं है, मतलब कि अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इफ बाहर नहीं आएगा क्योंकि हमें लॉजिकल टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, और लॉजिकल टेस्ट जिससे दे देंगे वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स डालने की जरूरत नहीं है, डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा अदरवाइज डिफॉल्ट रिजल्ट आएगा। सिर्फ इफ में ही नहीं बहुत सारे फॉर्मूले जो वी लुकअप लगाते हैं तो वहां भी देखिए रेंज लुकअप आपका ऑप्शनल है, ऐसे सब्स्टिट्यूट लगाते हैं तो मोस्टली फॉर्मूला में या वीवीए के सिंटैक्स में देखिएगा जिसमें एक बड़ी ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, हम लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं बचपन से, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ इसका मतलब ऑप्शनल है। तो वीर सिंह जी आप लोग क्या बोलते हैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट को? सर इसको हम भी मतलब स्क्वायर ब्रैकेट ही बोलते हैं एंड हम लोग जो बचपन से पढ़े हिंदी में पढ़े थे ना सर, तो हम लोग जो टीचर थे उसको बड़ी ब्रैकेट बोलते थे, छोटी ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट तो उसको ये बोलते हैं ना, हाँ ये इसको हाँ इसको बोलते हैं सर, इसको एरे का यूज होता है।
राइट ओके चलिए इफ समझ इसका लगाएंगे सिंपल है क्या इफ लगाइए यहां पे लॉजिकल टेस्ट अपना ऑपरेट कीजिए जो लॉजिकल टेस्ट है और फिर यहां पे अगर आपका नंबर में है तो डायरेक्ट लिख दीजिए अगर आपका रिजल्ट टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा कि ओके एंड जो भी आप लेना चाहते हैं ये आपका आएगा ये हमारा इफ का एग्जांपल है इफ को हम इस तरह से ऑपरेट करते हैं तो आगे के एग्जांपल में इफ सेलेक्टेड और भी चीजें हम बताएंगे इफ आप लोग यूज करते हैं कि नहीं करते हैं यस सर एक मिनट दीजिएगा ओके सॉरी तो अगले एग्जाम्पल तक चलते हैं इफ का दूसरा पार्ट इसके हम कुछ एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करेंगे तो इसके एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे यहां पे जैसे कि हमने जनरली हम सीरियल नंबर देते हैं तो 1 2 लिखते हैं या फिर हम इसमें प्लस 1 कर देते हैं और नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो ये हमारा सीरियल नंबर जनरेट कर देता है लेकिन हम सीरियल नंबर चाहते हैं अपने हिसाब से जैसे कि हमने यहाँ पे अगर बोल दिया कि मुझे 10 तक का ही सीरियल नंबर चाहिए तो ये 10 के बाद का सीरियल नंबर ना बनाए मैं चाहता हूं कि मेरा सीरियल नंबर जो यहाँ पे हम डालें वही आना चाहिए तो जो नंबर डालें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आगे हम बहुत इसका यूज करेंगे ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे हम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं कि इफ अगर इसमें हमने प्लस 1 किया तो प्लस 1 करने के बाद अगर वो ग्रेटर देन 10 होता है तो यहाँ पे कुछ ना दे कुछ ना मतलब कि हमने ब्रैकेट को स्टार्ट किया इन्होंने कोटेशन मार्क को डबल कोटेशन मार्क को स्टार्ट किया और हमने स्टॉप कर दिया तो ये आप देखेंगे कि ब्लैंक हो गया तो हमने बोला कि अगर A2 plus 1 is greater than C1 तो ये आपका ब्रैकेट को स्टार्ट ऑन कर दे अदरवाइज इसमें प्लस 1 कर दे और फिर इसको नीचे ड्रैग करने से पहले हमें इसको फ्रीज करना पड़ेगा ताकि C1, C3 ना हो और फिर इसको नीचे के तरफ हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ देखिए 10 तक का ही बना अगर मैं 12 कर दूं तो 12 तक का बनाएगा अगर मैं 5 करूं तो 5 तक का ही बनेगा लेकिन यहाँ पे देखिए क्योंकि हमने हमें पता नहीं कि कितना लिखेंगे तो एक एस्टिमेट लोकेशन पे हम इसको डाल देते हैं तो एस्टिमेट लोकेशन पे नीचे तक आ गया मैं चाहता हूं कि ये एरर ना शो हो तो एरर अगर ना शो हो तो इसके लिए यहां पे हम फॉर्मूला डाल देते हैं इफ एरर का और हमने बोला कि इसमें अगर ब्लैंक हो तो यहां पे तो इफ एरर काम क्या करता है इफ एरर भी लॉजिकल फॉर्मूला है अब इफ एरर नया फॉर्मूला हम यहां सीख रहे हैं तो इफ एरर फॉर्मूला क्या करता है कि अगर आपका फॉर्मूला एरर देता है
अगर आपका फॉर्मूला एरर देता है तो उसके जगह पे कोई नई फॉर्मूला या कोई नई वैल्यू या उसको ब्लैंक वगैरह करने के लिए काम करते हैं इफ एरर का। जब एरर नहीं था तो हम लोग इफ के साथ इज एरर का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे अगर 15 देता हूं तो 15 तक, 20 देता हूं तो 20 तक हो जाता है। देखिए ये तो सिर्फ स्टॉप वैल्यू है, बट स्टार्ट तो 5-1 से ही हो रहा है, तो हमें स्टार्ट का भी देना चाहिए। मैं चाहता कि 5 से 20 तक होना चाहिए, जहां पे हमने पहले स्थान पे जो मैनुअल 5 लिखा हुआ है उस 5 पे अपनी स्टार्ट वैल्यू को लिंक कर दीजिए। तो अब आपका स्टार्ट टू एंड हुआ कि मुझे 10 से 20 चाहिए, 10 से 20 या 10 से 25 चाहिए, तो 10 से 25 का आपका सीरियल नंबर यहां आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, वीर सिंह जी और बाकी लोग जो है? हेलो, कोई डाउट इसमें सर आप लोगों को? नहीं होना चाहिए। यूसुफ जी कोई डाउट इसमें आपको? नहीं नहीं सर। हेलो हेलो सर, एक बार दोबारा बता देंगे सर? एक्चुअली मैं ये हो गया था, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या बताऊं, देख नहीं पाया हूं यही वाला सेकंड वाला जो भी आप, क्योंकि मैं देख नहीं पाया आपने अभी करा क्या है, ये इफ टू वाला जो कर रहे थे अभी। एक मिनट बता। तो इसको अगले तरीके से, अगली चीज बताता हूँ इसी में, मैं कि कुछ और एग्जांपल देता हूँ जो बाकी लोग बोलना होंगे। तो सीरियल नंबर में हमने भी आपको सीरियल नंबर का एग्जांपल बताया, अब इसी में हम आपको डेट का एग्जांपल बताते हैं कि यहाँ पे हम डेट चाहते हैं, लेकिन डेट क्या चाहते हैं, स्टार्ट डेट हो या एंड डेट। मैं चाहता हूं कि अगर मैंने, अगर मान लीजिए 1 तारीख से स्टार्ट है, 1 जनवरी से स्टार्ट है, तो अगर मैंने बोल दिया कि मेरा 20 जनवरी तक का ही डेटा आना चाहिए, तो 20 से ऊपर हमारा डेट नहीं आना चाहिए। तो यहां पर हम कंडीशन देंगे कि इफ, कि अगर इस डेट में +1 करने पे अगर वो डेट ग्रेटर देन हमारा एंड डेट होता है तो यहां पर ब्लैंक दे दें, अदरवाइज हमारा जो डेट है इस डेट में +1 कर दे। अब इसको एंटर मारते हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये जो इसको मैं चेंज कर देता हूं फॉर्मेट, अब मैं इसको अगर नीचे ड्रैग करूंगा उससे पहले हमारा J1 जो है J2 हो जाएगा, लेकिन J1 हमारा फिक्स है तो इसको हमने यहां पे फ्रीज कर दिया F4 से। हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, नीचे की तरफ अगर हम इसको ड्रैग किया तो क्या दिक्कत होगी, ये एरर आएंगे। देखिए एरर आएंगे, ठीक है, एरर क्यों आए, क्योंकि ये एरर आएंगे। अब इस चीज को जानिए कि यहां एरर आया तो क्यों आया, तो यहां पे क्या है, यहां पे हमारा ब्लैंक शो कर रहा है, तो ब्लैंक क्या है, ब्लैंक टेक्स्ट है, पे आपका टेक्स्ट में +1 नहीं कर पा रहा है, टेक्स्ट के अंदर +1 नहीं कर पा रहा है, इसलिए एरर देगा। इस एरर को हटाने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला इफ एरर का, इफ एरर, और इफ एरर के अंदर में हम इसको स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ओके,
हमने बोला ए टू प्लस वन इज ग्रेटर देन जे वन और यहाँ पे हमने बोल दिया कि भाई प्लस टू वन हो जाए, तो ये हमारा आ गया। हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो देखिए ये हमारा ब्लैंक हो। तो अब जो डेट डालेंगे, अगर मैंने मान लीजिए 15 जनवरी डाला तो मेरा 15 जनवरी 10 जनवरी डालूंगा तो 10 जनवरी तक कहीं डेट आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टार्ट डेट भी हो। स्टार्ट डेट के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलूँ कि 5 से 10 चले, तो ये 5 जो हमने मेमोरी जहाँ पे 1 हमने लिख रखा है, 1 जनवरी लिख रखा है, उसको हम अपने 5 जनवरी के साथ लिंक कर देंगे, तो आपका अब स्टार्ट टू एंड हो जाएगा कि जो डेट स्टार्ट में डालेंगे और जो डेट एंड में डालेंगे उसी बिटवीन डेट्स यहाँ पे क्रिएट होगी। तो वीर सिंह जी, यशुभ जी, मुझे लगता है एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई होगी। यस सर, थैंक यू। अब चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगली एग्जाम्पल हमारी सीरियल नंबर से ही है, तो हम इफ के फॉर्मूले को सीख रहे हैं और इफ के फॉर्मूले में हमने अभी तक तकरीबन 4 एग्जाम्पल लिए हैं। पांचवा एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं सीरियल नंबर की। इस बार मैं सीरियल नंबर ऐसा नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जनरली मुझे मान लीजिए कि नेम के साथ और भी हो गए कि एड्रेस वेड्रेस और भी बहुत सारे रिकॉर्ड इसमें एंट्री करने होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ लिखना चाहता हूँ जैसे मैंने मान लीजिए हमने 1 लिखा और यहाँ पे हमने नेम में पूजा लिख दिया। मैं यहाँ पे अगर मैं नेहा लिखूं एंटर मारूं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 आ जाना चाहिए। ओके सर, तो ये सीरियल नंबर जैसे 9 नाम टाइप करूं जो नेम है हमारा और नेम को टाइप करूं तो यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आने चाहिए, सीरियल नंबर मैनुअल डालने की जरूरत ना हो, सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली ही आना चाहिए। समझ आ गया? Yes, sir. यहाँ पे if लगाएंगे कि if सामने वाली वैल्यू इसे B3 is greater than 0। अब यहाँ पे greater than 0 क्यों लगाया? क्योंकि Excel का जो blank cell है, जो blank cell है, Excel के लिए 0 है। समझे? By default zero होता है। तो हमने बोला greater than 0 मतलब कुछ भी आप टाइप करते हैं, नंबर, टेक्स्ट, कुछ भी टाइप करते हैं वो 0 से बड़ा होता है। तो ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर वाले जो जहां पे फॉर्मूला लग रहा है उसके ऊपर वाले वैल्यू में प्लस 1 कर दे, नहीं तो ब्लैंक रखे। मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूं, जहां तक एंट्री कर सके वहां तक ड्रैग कर दीजिए। अब मैं यहां पे देता हूं, यहां पे लिखता हूं नीतू, नीतू आ गया, इंदर, इंदर आ गया, उदय, उदय आ गया। बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर हमने एक रो को ब्लैंक छोड़ दिया और यहां पे डाल दिया, मान लीजिए यहां पे डाल दिया दीनू, तो यहां पे एरर आ जाएगा। तो एरर आने का वही पोजीशन जो कि हमें लास्ट एग्जांपल में बताया था कि अगर क्योंकि B8 जो है वो ब्लैंक है, A7 माफ कीजिएगा, ये जो हमारा A7 है A7 ब्लैंक है, तो ब्लैंक में प्लस 1 नहीं हो सकता, इसलिए यहां पे एरर तो देगा ही दे। समझे? तो मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे इस तरह का एरर नहीं चाहिए। अगर इस तरह का एरर हमें नहीं चाहिए तो क्या करें इसके लिए? तो इसलिए कुछ और एग्जाम्पल सोचना होगा। तो हमारे पास एक मैथ्स का फॉर्मूला है, तो मैथ्स के फॉर्मूले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 0 डला हुआ है और आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा ही, तो क्यों ना हम यहां से सीरियल नंबर लगाते समय ये करूं कि ए पर ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलेंगे मैक्स, और मैक्स में मैं पूरा कॉलम का रेंज नहीं लूंगा, मैक्स में मैं जहां फॉर्मूला लगा रहा हूं उसके ऊपर का ही। C1 से C1 नीचे ड्रैग करना है तो पहले वाले C1 को फ्रीज कर देते हैं,
मैं जहां फॉर्मूला लगा रहे हैं उससे ऊपर तक का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें वो प्लस वन करे, अदरवाइज ब्लैंक। मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि यहां पे C1 से C1 था, हमने पहले C1 को रीच कर दिया हुआ है और दूसरा C1 यहां पर आ रहा है। तो दूसरे C1 में क्या हुआ, T2 हो गया, T3। तो जहां भी हम इसको ड्रैग करेंगे तो जहां फॉर्मूला लग रहा है एक उससे ऊपर की डेटा को ही शो करेगा, ठीक है। वीर सिंह जी आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, मैंने म्यूट कर दिया है, जब पूछना हुआ था म्यूट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। अब इसी से सीरियल नंबर से ही आगे चलते हैं हम अपनी चौथी एग्जाम्पल में। जैसे कि मैंने यहां पे मान लीजिए नेम दिया हुआ है, नेम दे देता हूं, नेम के साथ और भी हो सकता है, और भी चीजें हो सकती है, बट यहां पे देखिए नेम रिपीटेड है। तो इफ की इस अगले एग्जांपल में हम चाहते हैं सीरियल नंबर देना, हमारे पास जो डेटा है उसमें हमारा नाम रिपीटेड है। अगर मैं इसको फिल्टर लगा के बताऊं आपको तो आप देखेंगे कि यहां पे आपके साथ इंदर हमने कर लिया, तो यहां इंद्र के बाद तो मैं चाहता कि 1 2 3 4 5 इस तरह से सीरियल नंबर इंद्र को दे दी जाए। हर नाम को इसी तरह से सीरियल नंबर हम देना चाहते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है इफ की मदद से। तो इफ की मदद से जो तरीका है उसके लिए हमें इस डेटा को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो हम शॉर्ट में जाते हैं और यहां हम कस्टम शॉर्ट में आके और यहां माई डेटा हैज ए हेडर और यहां पे हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने से क्या होगा कि जो भी नाम है वो इकट्ठा आ जाएगा, जैसे इंदर है तो इंदर एक जगह पे आ गया, कविता एक जगह पे आ गया। मैं यहां पे दूंगा कंडीशन कि इफ सामने वाली वैल्यू अगर इक्वल है अपने ऊपर वाली वैल्यू से, यहां पे ध्यान रखिएगा हमने क्या बोला कि सामने वाली वैल्यू इक्वल है सामने वैल्यू वाली वैल्यू की ऊपर वाली वैल्यू से, इसका मतलब दोनों सेम नेम है। तो क्या करें, जो सीरियल नंबर जहां फॉर्मूला लग रहा है उसके ऊपर है उसमें वो प्लस वन कर दे, नहीं तो वन से स्टार्ट करें। तो यहां पे सिंपल फॉर्मूला में लगाया कि अगर दोनों नेम आगे वाली नेम और उससे ऊपर वाले नेम दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब कि सेम नाम है, तो सीक्वेंस को बढ़ा दे, मतलब कि जहां फॉर्मूला लग रहा है उसकी ऊपर वाली वैल्यू में प्लस A1 कर दे, नहीं तो वन से स्टार्ट कर दे। यहां वन आया क्योंकि ये इंद्र और नेम आपस में बराबर नहीं है। फिर मैंने इसको नीचे ड्रैग किया तो आप यहां देखेंगे आपके सामने रिजल्ट A1 से A17, फिर यहां सेम इसी तरह से आ रहा है। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? यस जी सर। अब अगली यहां पे हो रही है कि अभी हमने आपको एग्जांपल बताया कि हमें अगर सीरियल नंबर देना है तो हमें डेटा को शॉर्ट करना पड़ेगा और इसके लिए हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि नहीं, मैं डेटा को शॉर्ट करना नहीं चाहता, मैं डेटा बिना शॉर्ट हुए ही मुझे यहां पे डिटेल्स दिख जाए क्योंकि ये डेटा फिक्स है इसलिए, लेकिन मेरा डेटा नीचे ऐड होता रहता है, कौन सा नाम ऐड होगा इसकी गारंटी तो नहीं है। मैं मान लीजिए मुझे इंद्र ऐड करना तो फिर मैं इंद्र के पास जाके ऐड करूंगा तो काफी दिक्कत हो जाएगी ना। तो डेटा मेरा ऐड होते रहता है तो मुझे डेटा शॉर्ट करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। सो मैं यहां पे सीरियल नंबर इंसर्ट करना चाहता हूं विदाउट एडिंग द सीरियल, सॉरी विदाउट एडिंग द, बिना विदाउट सेटिंग द शॉर्टिंग द डेटा।
कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें काउंट इफ की मदद लेना पड़ेगा। तो हमारे पास काउंट इफ काउंट विद कंडीशन, ये भी इसमें भी इफ आता है, तो काउंट इफ होता है। तो काउंट इफ का काम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रेंज में एक पर्टिकुलर सेल वैल्यू को हाईलाइट कर देता है। ठीक है, रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो देखिए हमें तो सीरियल नंबर ही मिल रहा है ना, तो यहां पे क्या करेंगे कि हम छोटा सा, क्योंकि तो यहां पे 17 आ गया, तो मतलब कि जहां जहां पूजा आया वहां भी 17 आएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता यहां पे 1 आए और दूसरी पूजा पे 2 आए। उसके लिए हमारे पास उपाय है कि मैं यहां पे फॉर्मूला दूंगा कि इफ, हमने बोला कि अगली सेल वैल्यू E2 से E2 और यहां पे हम E2 मैक्स वाला जो मेथड है वो ले लेंगे। तो सॉरी इफ नहीं देना था, मैं काउंट इफ देना था ना, क्यों आ गया। अब मैं नीचे इसको ड्रैग करूंगा लेकिन पहले वाली E2 को फ्रीज कर दूंगा ताकि वो फिक्स रहे। जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा जब दूसरी पूजा पे आता हूं तो देखिए तो जो फॉर्मूला जहां पे फॉर्मूला हमारा लग रहा है वो हमेशा अपने से ऊपर वाली वैल्यू को ही काउंट कर रहा है, नीचे वाली वैल्यू को नहीं। इसलिए आपको सीक्वेंस हमेशा बढ़ते में आएंगे। अगर मैं इसको फिल्टर करूं तो आप देखेंगे कि आपको सीक्वेंस इस तरह से आ गया। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और काउंट इफ का रिपीट कर दीजिए ना। क्या दिक्कत है बताइए, सामने फॉर्मूला लगा हुआ, ये जो लास्ट वाला जो रेंज दी है, रेंज देने के बाद जो सिलेक्ट किए सेल वहां नहीं समझे। तो इसको दो चीज चाहिए ना, रेंज और क्राइटेरिया, किस में क्या ढूंढना है। तो हमें पूजा को ढूंढना है ना, हमारे जब हमें इसमें इस ई कॉलम में पूजा को ढूंढना है, मतलब ये देखिए हमने यार फॉर्मूला लगाया था, हमने बोला कि E2 से लेके E16 में E16 को ढूंढना है। E16 कौन सा, इंदर है। इससे पहले E16 इंदर जितना बार आया है उसकी काउंट यहाँ दे देगा, दो बार आया है यहाँ पे, वो तीन बार आया। समझ गए। अगली एग्जांपल पे चलते हैं। तो अभी हमने इफ के करीब 5-6 एग्जाम्पल लिए, लेकिन हमने सिंपल इफ के एग्जाम्पल लिए जहां पे हमारे पास एक कंडीशन थे। अब मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, जैसे कि हमने आपको शुरुआत के एग्जाम्पल में बताया था लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक ऑपरेटर लगाना सिखाया था, मतलब तो एक कंडीशन पे ऑपरेटर आप लगा सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास कंडीशन ज्यादा हो, जैसे कि सेल्स में मुझे इंसेंटिव देना है, तो इंसेंटिव में यह है कि मेरा यहाँ पे 75 to 95 में जो भी आया सेल्स होंगे उन पे मैं 500 का इंसेंटिव देना चाहता हूं। ओके, बट प्रॉब्लम यह है कि हम एक बार में एक ही लॉजिकल ऑपरेटर लगा सकते हैं ना। एक से ज्यादा लॉजिकल ऑपरेटर लगाने के लिए दो तरह के फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं, पहला एंड और दूसरा और। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड के ऊपर। तो हम पहला एंड और दूसरा और को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हम होगा देंगे एंड। एंड फॉर्मूला में हम एक से ज्यादा कंडीशन डालते हैं जो कंडीशन रिक्वायर्ड हो, जो कंडीशंस रिक्वायर हो उसको हम एंड फॉर्मूला में डालते हैं। तो एंड हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 75, और फिर हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला लेस देन इक्वल टू 95। तो
रिजल्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स में आएगा. देखिए मुझे यहां तो 500 और जीरो देना है, तो उस केस में मैं यहां पे इफ फॉर्मूला, इफ और इसमें हमने बोला कि अगर ये जीरो है यहां ट्रू है तो 500, अदरवाइज यहां पे जीरो आना चाहिए. और एंटर मारा, नीचे तक ड्रैग किया तो आपके सामने आएगा. जैसे यहां पे 70 डालूंगा 70 आ जाएगा, 80 डालूंगा 80 आ जाएगा. तो एंड फॉर्मूला का इस्तेमाल हम मल्टीपल कंडीशंस के लिए करते हैं. तो एंड की अगर दूसरी एग्जांपल देखना चाहे तो देख सकते हैं. मैं यहां पे कुछ नेम दे देता हूं. यहां पे मैंने दिया नेम, नेम और यहां पे सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट के यहां पे मार्क्स दे देते हैं. और यहां पे हमें रिजल्ट चाहिए. रिजल्ट में मतलब यहां पे हमें, हमारे पास एक स्कोर बोर्ड है. स्कोर बोर्ड में हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो चार सब्जेक्ट्स हैं. मुझे यहां पे रिजल्ट चाहिए. कंडीशन कहता है कि एवरी सब्जेक्ट का रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हुआ तो पास होगा, अदरवाइज फेल होगा. तो यहां पे मेरे पास मोर देन वन कंडीशंस है, लेकिन सारे के सारे कंडीशंस हमें रिक्वायर है. मतलब कि सब में 33 से ऊपर होना चाहिए. जहां पे रिक्वायर होता है, ऑप्शनल नहीं होता है, वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं एंड फॉर्मूला. यहां हम एंड फॉर्मूला लगाते हैं, यहां देते इक्वल एंड. एंड में हम बोलते हैं कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉमा, इसको लिया और बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉमा, इसको लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉमा, फिर इसको लेके बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 30. अगर ऐसा होता है तो रिजल्ट फॉल्स आ गया, ट्रू एंड फॉल्स में आएगा. जहां ट्रू है वहां पे हमें पास करना है, और जहां फेल है वहां पे ही करना है. तो इस तरह से हम देते हैं रिजल्ट. यहां पे हमने बोल दिया पास और यहां हम बोल देते हैं फेल. ये हमारा हो गया एंड का एग्जांपल. अब एंड के बाद हम बात करते हैं और का. जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक आईडी प्रूफ के लिए सबमिशन फॉर्म है, जिसपे नेम और उसने क्या आईडी प्रूफ सेव दिया है. तो यहां पे ऑप्शन है कि वो पेन दे सकता है, वो वोटर आई कार्ड दे सकता है, वो डीएल दे सकता है, या आधार दे सकता है, या पासपोर्ट दे सकता है. और यहां पे मुझे स्टेटस बताना है. तो अब जरूरी नहीं है कि वो सारा देगा. हो सकता है कि पूजा ने पैन को दे दिया है, और नीरज जो है वो उसने क्या किया है कि वोटर आई कार्ड को दिया और उसने एक पासपोर्ट भी दे दिया. तो कोई एक भी दे सकता है या एक से ज्यादा भी दे सकता है. तो यहां पे मुझे स्टेटस में ओके या पेंडिंग शो करना है कि अगर उसको कहीं भी वाई मिल जाए तो ओके होना चाहिए, अगर कहीं वाई ना मिले तो पेंडिंग होना चाहिए. ओके? तो यहां पे कंडीशन देते हैं इफ का, कि इफ
हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला कि दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा, फिर वापस हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला इक्वल टू वाई, और फिर इसको सेलेक्ट किया और बोला इक्वल टू वाई, और अगेन इसको सेलेक्ट किया और बोला इक्वल टू वाई, और फिर सेलेक्ट किया और बोला इक्वल टू वाई। इस नहीं माफ कीजिएगा, हमें एंड और लगाना पड़ेगा, इस और को हमें इसके अंदर डालना होगा। हमने तो ट्रू एंड फॉल्स आ गया, तो ट्रू को ओके और फॉल्स को पेंडिंग करने के लिए इफ हम पहले डालेंगे कि इफ, और यहां पे देंगे ओके फिर पेंडिंग। समझ आ गया? अगर मैं यहां से हटा दूं तो पेंडिंग हो जाएगा। तो ये तो इफ का और ऑल का एग्जांपल इसी तरीके से हम देते हैं। ठीक है, अब इसी में एक ऑफिशियल एग्जांपल हम करेंगे। अब एक एग्जांपल करते हैं जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होता है। चलिए माने डेट लिखते हैं और ड्रैग करते हैं तो हमें पूरा डेट आ जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं सैटरडे और संडे का जो डेट होता है वो सैटरडे संडे का डेट नहीं आना चाहिए लिस्ट के अंदर। ओके, मैं चाहता हूं सैटरडे एंड संडे का डेट नहीं आना चाहिए, तो कैसे करेंगे इसके लिए? तो ये डेट में सैटरडे एंड संडे है, ये कैसे पता चलेगा? वो है हमारा इफ, आपका टेक्स्ट फॉर्मूला। टेक्स्ट फॉर्मूला इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम डी 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 तीन बार देंगे तो सैटरडे एंड संडे बता देगा क्या है। तो यहां पर हम देंगे कि इफ अगर ए इक्वल टू सैटरडे है तो इसमें प्लस वन हो, प्लस टू होना चाहिए, अदरवाइज ब्लैंक होना चाहिए। अदरवाइज ब्लैंक नहीं, अदरवाइज जो डेट है उसमें प्लस वन ही करना है। और यहां पे हम डेट डालना शुरू कर देंगे, डेट को ड्रैग करना। यहां पे आप देख रहे हैं कि इसमें चार आया, पांच नहीं आया, चार नहीं आना चाहिए ना, चार सैटरडे था ना, तो चार जनवरी क्यों आया? सर इसमें आपने और नहीं लगाया ना? नहीं नहीं, इसमें इसमें एक दिक्कत है कि और नहीं, यहाँ पे हम प्लस वन नहीं, यहाँ पे प्लस वन कर देंगे ना, क्योंकि हम ऊपर वाले डेट को ही देख रहे हैं ना। अब सही बोलता है, अब यहाँ पे पांच आ गया। सर इसमें एक ही क्राइटेरिया मैच कर मिस कर दिया ना आपका। अब सही है, ये करना होगा ना मैं। तो तीन के बाद सीधे छह आ रहा, चार और पांच मिसिंग है इसमें। ये तीन लगाने का क्या यहाँ पे लॉजिक है सर? बता रहा हूँ, बताता हूँ मैंने क्या बोला। हमने बोला कि ऊपर वाली वैल्यू, हमने बोला कि ए टू प्लस वन, और उसका अगर डेट जो हमारा है, मैं दो डेट को स्किप करना है। यहाँ पे देखिए हमने किया हुआ है, दो डेट को स्किप करना है, राइट? तो हमने बोला कि ए टू अगर इक्वल टू सैटरडे है तो ए टू में प्लस होना चाहिए। मान लीजिए कि चार तारीख सैटरडे है तो यहाँ चेक करेगा ना, तो हमें अगला छह तारीख का डेट चाहिए ना, चार और पांच दो सैटरडे है हमारा, समझे? तो हमने बोला कि A1 में प्लस वन किया और मतलब सैटरडे है, तो यहाँ A4 में अगर मान लो टू करते हैं तो क्या होगा? फोर एंड फाइव, फाइव तो दिखेगा,
अगर आपने इसने प्लस टू किया तो पांचवा आपको दिखेगा ना सर, थ्री टू पावर टू फाइव ओके ओके गॉट इट। मैं तीन देना होगा तभी अगला डेट दिखेगा ना, दो स्किप करेगा और अगला दिखेगा। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि अगले फरवरी की डेट आ जा रही है, फरवरी की डेट आ जा रही है, मुझे फरवरी का डेट नहीं आना चाहिए, तो यू मंथ लगा देंगे बाद में। तो सैटरडे एंड संडे को हमने यहां से स्किप कर दिया। आप मैच कर सकते हैं कि इसमें चार और पांच नहीं है, छह है, और अगला सैटरडे संडे कब है, ग्यारह और बारह। तो यहां पे देखिए, दस के बाद ग्यारह बारह नहीं है, तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस नहीं है, देखिए अठारह उन्नीस नहीं है। तो हमारा एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक बैठता है, मतलब कि हमने एक फॉर्मूला क्रिएट किया जो सैटरडे एंड संडे को इग्नोर करता है। ओके समझ में आ गया। तो ये हमारे इफ की पहली क्लास थी, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए होगा अभी आगे की, क्योंकि अगला टॉपिक है वो है नेस्टेड फॉर्मूला, जहां पे हम आठ दस पंद्रह फॉर्म इफ को एक साथ मर्ज करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि उस फॉर्मूला से पहले आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं सिंह जी? बिल्कुल सर। तो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, और हम अगले क्लास में इफ फॉर्मूले में नेस्टेड इफ को खत्म करेंगे, और उसके बाद फिर हम डेट एंड टाइम और टेक्स्ट अगला वीकेंड में है, आप बी लुकअप तक पहुंच जाएंगे। ओके अगले वीकेंड में हम ओके सर, ये एक्सेल भेज सकते हो क्या? चलो जीमेल पे तो नहीं भेजो, इसलिए तो हमने इसलिए तो इसको हमने सेव किया है कि आपको भेज सकूं। अच्छा राइट। और कुछ सर, कुछ डेटा सेट अगर हो पॉसिबल तो कर देख लो। डेटा सेट हम आपको भेजेंगे अभी नहीं, इसके अच्छा। पहले अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि डेटा सेट में सोचने की थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको। बी डबल ई आर बी बी डबल ई आर ऊपर वाला ही है, और एक है यूसुफ। नहीं यूसुफ जी, आपकी ईमेल आईडी क्या है? ये वो एसएम से करेंगे, एसएम एसएम सैम यूसुफ। नहीं नहीं ये नहीं सर, एस एम है, एस एम यूसुफ। अच्छा एस एम, एस एम यूसुफ, हाँ तो गया। और इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज देता हूँ, हमने गो टू मीटिंग के जरिए रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है, मैं फाइल आप लोगों को भेज देता हूँ। ओके मिलते हैं अगली क्लास में। ओके सर, थैंक यू।